everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. So we have seen in earlier video that there are four main primary principles of interpretation. First is literal or plain meaning rule. Second is mischief rule or Hayden's case rule. Third is golden rule. Fourth is harmonious construction. जिसमें से हमने लिटरल रूल कवर कर लिया था अर्लियर वीडियो में और इस वीडियो में हम मिसचीफ रूल कवर करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिसचीफ रूल. सो मिसचीफ रूल इज़ आल्सो कॉल्ड हेडेंस केस रूल, क्योंकि ये 16th सेंचुरी में हेडेंस केस में ओरिजिनेट हुआ था और मिसचीफ रूल को पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. तो इस केस में कोर्ट देखता है कि जिस स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट किया जा रहा है या जिस स्टैट्यूट को कोर्ट इंटरप्रिटेट कर रहा है उसको किस मिसचीफ या डिफेक्ट की रेमेडी के लिए बनाया गया पार्लियामेंट ने. तो कोर्ट ये डिस्क्रीट करता है, ये विचार करता है कि पार्लियामेंट के एक्ट को किस डिफेक्ट या क्षति को ठीक करने के लिए बनाया है. तो बेसिकली यहाँ लेजिस्लेशन की इंटेंशन जानने की कोशिश करता है कोर्ट. तो हेडन केस में चार पॉइंट्स थे जिनको कंसिडर किया जाता है इंटरप्रिटेशन के टाइम. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट वाज़ द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, यानी कि लॉ बनाने से पहले क्या लॉ था. बेसिकली हिस्ट्री देखते हैं हम इसमें एक्ट की और अब क्या लॉ है. द सेकेंड इज़ व्हाट वाज़ द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड. तो कौन सा वो मिसचीफ या डिफेक्ट था जिसके लिए अर्लियर एक्ट में प्रोविजन नहीं था और पार्लियामेंट को नया एक्ट बनाना पड़ा. थर्ड इज़ व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व, और इस नए एक्ट में उस मिसचीफ या डिफेक्ट के लिए पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की है. फोर्थ हम देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द रेमेडी, यानी कि इस रेमेडी को प्रोवाइड करने के पीछे पार्लियामेंट का क्या मेन रीज़न है. तो बेसिकली चार चीज़ें आपको देखनी है. पहली हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, सेकंड इज़ कि कौन सा वो मिसचीफ था, थर्ड इज़ क्या रेमेडी प्रोवाइड की है और क्यों प्रोवाइड की है. तो ये चारों पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं हेडेंस रूल में और मिसचीफ रूल लेजिस्लेटर की इंटेंशन को जानने में हेल्प करता है. और जहाँ लिटरल रूल से किसी एक्ट की एम्बिग्यूटी सॉल्व नहीं होती वहाँ मिसचीफ रूल अप्लाई करते हैं. तो एक केस था थॉमसन वर्सेस लॉर्ड क्लैम मॉरिस, जिसमें लॉर्ड लिंडे ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो भी वर्ड्स किसी स्टैट्यूट में यूज़ हुए हैं सिर्फ उनके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन नहीं की जानी चाहिए. इनफैक्ट हमें एक्ट की हिस्ट्री और उसके पीछे क्या रीजंस हैं पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें एक्ट कोई एक्ट क्यों बनाया गया और पहले लॉ क्या था और अब लॉ क्या है. इसके बाद मिसचीफ रूल के एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल में केस है बंगाल इम्यूनिटी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में आर्टिकल 286 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 वाज इन क्वेश्चन. तो क्योंकि पहले हर स्टेट के पास अपनी अपनी टैक्सिंग पावर्स थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 286 कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसलिए बनाया ताकि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके और पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बनाया जा सके. तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 286 और आर्टिकल 286 के पीछे रीज़न क्या है दोनों ही चीज़ें कंसिडर की हैं. तो यहाँ पर मिसचीफ रूल को अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. केस है इलियट वर्सेस ग्रे, इंग्लिश केस है ये. तो इस केस में क्या हुआ था कि यूके में रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी कार जिसका इंश्योरेंस ना हो उसको चलाने और पार्क करने पर भी मनाही थी और डिफेंडेंट ने अपनी कार रोड पर पार्क कर रखी थी और ये भी साफ था कि डिफेंडेंट अपनी कार चला नहीं सकता था. लेकिन कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि डिफेंडेंट गिल्टी है. क्यों? क्योंकि इंश्योर्ड कार यूज़ करने के पीछे पार्लियामेंट की इंटेंशन है कि अगर एक्सीडेंट हो तो इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट किया जा सके. तो कोर्ट ने यहाँ भी मिसचीफ रूल अप्लाई किया.
लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिसचीफ रूल. तो लॉ कमीशन ने मिसचीफ रूल को गोल्डन और लिटरल रूल से ज़्यादा बेहतर बताया है, क्योंकि मिसचीफ रूल अनजस्ट और एब्सर्ड रिजल्ट नहीं देता. इसके बाद डिसएडवांटेजेस, कंसिडर्ड इट टू बी आउट ऑफ डेट. आउटडेटेड क्यों कहते हैं मिसचीफ रूल को? क्योंकि मिसचीफ रूल 16 सेंचुरी से यूज़ होता आ रहा है और 16 सेंचुरी में कॉमन लॉ ज़्यादा प्रिवलेंट था, लेकिन अब इस टाइम पार्लियामेंट लॉ ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कॉमन लॉ की सिग्निफिकेंस कम हो गई है. सेकंड है, मिसचीफ रूल जुडिशरी को ज़्यादा पावर देता है, जो कि अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि जनता लेजिस्लेटर इलेक्ट करती है, ना कि जजेस को इलेक्ट करती है, और ये लॉ को अनसर्टेन बनाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिसचीफ रूल. नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्डन रूल कवर करेंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें.